हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में लिरिक, आइडल, पेस्टोरल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की जो क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है UPTGT PGT LT ग्रेड के लिए बेनिफिशियल है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जॉन डन रिनाउंड लिरिस्ट बिलोंग टू। ऑप्शन ए द एलिजाबेथन एज, ऑप्शन बी द अगस्टन एज, ऑप्शन सी द प्रे रोमांटिक एज या ऑप्शन डी द रोमांटिक एज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। जॉन डन जो कि एक लिरिस्ट हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज, अगस्टन एज, प्रे रोमांटिक एज या फिर रोमांटिक एज। फ्रेंड्स, लिरिक की बात करें, लिरिक का जो वर्जिन है ग्रीक है। ओके, लिरिक का वर्जिन ग्रीक है। लिरिक की विशेषता होती है कि लिरिक शॉर्ट पोएम है। लिरिक कैसी होगी? इट मस्ट बी ए शॉर्ट पोएम। ओके, इट मस्ट बी शॉर्ट पोएम। दूसरा पॉइंट क्या है? इट मस्ट हैव म्यूजिकल क्वालिटी। लिरिक की म्यूजिकल क्वालिटी होती है। ओके, थर्ड पॉइंट, इट मस्ट एक्सप्रेसेस एनी सिंगल इमोशन। लिरिक जो है किसी सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करती है, प्रेजेंट करती है। तो फ्रेंड्स, लिरिक के विषय में 3 पॉइंट्स याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। लिरिक मस्ट बी ए शॉर्ट पोएम। नंबर 2, लिरिक मस्ट हैव म्यूजिकल क्वालिटी। नंबर 3, इट मस्ट एक्सप्रेसेस एनी वन सिंगल इमोशन। ओके, तो फ्रेंड्स, जॉन डन जो है एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, गो एंड कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग बिगिंस विद दिस लाइन, नेम द पोएट हु रोट इट। किसने लिखा? ऑप्शन ए थॉमस डेकर ने लिखा, बेन जॉनसन ने लिखा, जॉन डन ने लिखा, थॉमस कैंपियन ने लिखा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ओके, फेमस लाइन है, ध्यान रखिएगा। गो एंड कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग बिगिंस विथ दिस लाइन। फ्रेंड्स, जॉन डन इज द राइट आंसर। ओके, इन लाइनों का लेखक जॉन डन है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ फेमस लिरिक ओपन्स विद द फॉलोइंग लाइन, ड्रिंक टू मी ओनली विथ thine eyes। ओके, ड्रिंक टू मी ओनली विथ thine eyes। हु इज द राइटर ऑफ द सॉन्ग? इन लाइन का ऑथर कौन है? शेक्सपियर है, जॉन डन है, बेन जॉनसन है, मार्लो है। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। ओके, बेन जॉनसन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिरिक्स इज रिटन बाई रॉबर्ट हेरिक? रॉबर्ट हेरिक के द्वारा कौन सा लिरिक लिखा गया है? ऑप्शन ए अ क्रिसमस कार्ड, ऑप्शन बी द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, ऑप्शन सी
सॉन्ग ऑफ सीलिया या ऑप्शन डी वीप नो मोर। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए, रॉबर्ट हेरिक ने कौन सी लिरिक लिखी है? क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अ क्रिसमस कार्ड। ओके, अ क्रिसमस कार्ड जो है रॉबर्ट हेरिक की लिरिक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शाउल ऑफ द एज, द प्लाउज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, माय शेक्सपियर अराइज, दीज फेमस लाइन्स आर कोटेड फ्रॉम अ लिरिकल पोएम रिटन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, मार्क हिम आउट। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए, शाउल ऑफ द एज, द प्लाउजेड डिलाइट, द वंडर ऑफ फॉरेस्ट इज, माय शेक्सपियर अराइज, दीज फेमस लाइन्स आर कोटेड फ्रॉम नन अदर देन। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 5, बेन जॉनसन। ओके, इन लाइनों का आथर बेन जॉनसन जी हैं। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, अ वेरी पॉपुलर लव लिरिक ओपन्स विद दिस लाइन, हु हैज रिटेन दिस लिरिक। इस लिरिक को किसने लिखा है? ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, इन लाइनों का लेखक कौन है? विलियम कॉलिंस, शेली, रॉबर्ट हेरिक, रॉबर्ट वंस। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, रॉबर्ट वंस इज द राइट आंसर। ओके, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, ये लाइनें जो हैं रॉबर्ट वंस के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज रिटन द फेमस लिरिकल पोएम एल एलिग्रो? एल एलिग्रो को किसने लिखा? ड्राइडन ने लिखा, मिल्टन ने लिखा, जॉन डन ने लिखा, कावले ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मिल्टन इज द राइट आंसर, एल एलिग्रो। ओके, ध्यान रखिएगा, 1644 में लिखा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो? एल एलिग्रो की मीनिंग क्या है? अ हैप्पी मैन, अ मेलंकली मैन, अ मैन पाइनिंग फॉर लव, या ऑप्शन डी, अ गॉड फेयरिंग मैन। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 8, एल एलिग्रो की मीनिंग, एल एलिग्रो मीन्स होता है हैप्पी या जॉयसफुल मैन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इल पेंसरिस्टो की मीनिंग क्या होती है? मिलांकली मैन। ओके, मिलांकली मैन क्या हो जाएगा? इल पेंसरिस्टो। एल एलिग्रो की मीनिंग हैप्पी मैन या फिर जॉयसफुल मैन। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्माइलिंग दाई लिव एंड कॉल लाइफ प्लीजर टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ट इन अनदर मीजर, फ्राम व्हिच ऑफ सेलीज पोएम हैव दीज लाइन्स बीन कोटेड। ये जो लाइन है शैली के किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए लव फिलोसफी, ऑप्शन बी ओज़ामेंडियस, या ऑप्शन सी स्टैंजाज रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, से ऑप्शन डी अलामेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्टैंजाज रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्माइलिंग द आई लिप एंड कॉल लाइफ प्लीजर
टू मी द कप हैज़ बीन डील्ट इन अनदर मेजर। ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब हु हैज रिटेन दीज पॉपुलर लाइन्स। इन लाइनों को किसने लिखा? कॉलरिज ने लिखा, कीट्स ने लिखा, सेली ने लिखा, अर्नॉल्ड ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब शेली ने लिखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आलामेंट LAMENT आलामेंट की ये लाइनें हैं। ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मेक सीज टू बी बिफोर माय पेन हैज ग्लीन्ड माय टीमिंग ब्रेन हूज पॉपुलर लाइन्स आर दीज। ये लाइनें किसकी हैं? किड्स की हैं, सेली की हैं, बायरन्स की हैं, चैटर्सन की हैं। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो किड्स इज द राइट आंसर। ओके व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मैसेज टू बी बिफोर माय पेन हैज ग्लीन्ड माय टीमिंग ब्रेन। ओके किड्स इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्रिज ऑफ साई? ब्रिज ऑफ साई का ऑथर कौन है? आर डब्ल्यू इमर्सन हैं, विलियम बायरन्स हैं, थॉमस हुड हैं, या फिर ऑप्शन डी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? द ब्रिज ऑफ साई के लेखक नन अदर देन थॉमस हुड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट हु हैज रिटेन द मिस्टिकल पोएम ब्रह्मा? मिस्टिकल पोएम ब्रह्मा को किसने लिखा? थॉमस हुड ने लिखा, विलियम बायरन्स ने लिखा, एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग ने लिखा, या ऑप्शन डी आर डब्ल्यू इमर्सन ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आर डब्ल्यू इमर्सन। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ ए पोएम बाई वर्ड्सवर्थ व्हिच पोएम। ये जो लाइनें हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से ली गई हैं। कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की वो पोएम है? डेफोडिल्स है, टू द कुकू है, द सोलाइटी रीपर है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 14। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर ये जो लाइनें हैं सोलाइटी रीपर की लाइन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोलाइटी रीपर जो पोएम है 1807 में आती है, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। ओके इस पोएम में एक लड़की सॉन्ग गाती है जो गर्ल ऑफ स्कॉटलैंड। ओके ध्यान रखिएगा, जिसको गर्ल ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से रिफर किया गया है। गॉट इट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर ए रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम द लॉस्ट लीडर रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग हु इज द लॉस्ट लीडर। ये जो लाइनें हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर लॉस्ट लीडर कौन है? रॉबर्ट सदे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, लॉर्ड टेनिशन हैं, कॉलरिज हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। कब लिखा?
जब विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड की पोएट लॉरेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं 1843 में, ओके, तब ये ऑफिशियली कोई भी पोएम्स वर्क नहीं लिखते हैं, तभी रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको लॉस्ट लीडर कहते हैं, ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में पोएट लॉरेट बनते हैं अपनी डेथ तक 1850, गॉट इट। अदर सबाइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज, हु डज मैथ्यू अर्नॉल्ड रिफर टू इन दिस पोएम। इस पोएम में मैथ्यू अर्नॉल्ड ने किसको रिफ़र किया है? चौसर, स्पेंसर, शेक्सपियर, ड्राइडेन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो शेक्सपियर इज़ द राइट आंसर। इन लाइनों में मैथ्यू अर्नॉल्ड ने शेक्सपियर को रिफ़र किया है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फार दो फ्राम आउट अवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस, द फ्लूड मे वियर मी फॉर, आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार। दीज लाइन्स आर कोटेड फ्राम क्रॉसिंग द बार बाई टेनिशन, हु इज़ द पायलट इन दीज लाइन्स। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीजीटी वाले ध्यान दें कि ये जो लाइनें हैं क्रॉसिंग द बार से ली गई हैं। क्रॉसिंग द बार किसका वर्क है? टेनिशन का वर्क है, ओके। इन लाइनों में जो वर्ड पायलट आया है, यहाँ पर पायलट कौन है? हेवन है, गॉड है, या फिर क्रिश्चियनिटी, या फिर ऑप्शन डी रिवार्ड फॉर नोबल डीड्स इन दिस लाइफ। 17 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर पायलट गॉड को कहा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, दीज लाइन्स आर कोटेड फ्राम लीजर बाई डब्ल्यू एच डेविस, वाट डज द पोएट वॉन्ट टू से। पोएट क्या कहना चाहता है इन लाइनों के माध्यम से? ऑप्शन ए दैट वी हैव नो फ्री टाइम, या ऑप्शन बी दैट वी हैव नो पीस ऑफ माइंड, या ऑप्शन सी दैट वी हैव बिकम टू मटेरियलिस्टिक, या ऑप्शन डी दैट वी हैव बिकम हाईली इंडस्ट्रियस। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस फ्री एंड आई स्मॉल कैबिन विल्ड दियर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, दीज लाइन्स आर कोटेड फ्राम डब्ल्यू बी ईट्स पोएम द लेक आइल्स ऑफ इंस फ्री, वेयर इज द इंस फ्री। ये जो इंस फ्री आइल्स है ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए इट इज़ ओनली एन इमेजिनरी आइलैंड, या ऑप्शन बी इट सिंबलाइजेज इंग्लैंड, या ऑप्शन सी इट इज़ रियल आइलैंड नियर आयरलैंड, या ऑप्शन डी इट इज़ ए रियल आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए फ्रेंड्स। द लेक ऑफ आइल्स ऑफ इंस फ्री, ये जो पोएम है 9th की बुक जो इसमें चल रही हैं, ओके,
नाइन्थ के क्लास में द लेक ऑफ आइल्स ऑफ इंसफ्री पोएम है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इट इज़ ए रियल आइलैंड नियर आयरलैंड। ओके, यहाँ पर आइलैंड की जो बात की गई है वो रियल आइलैंड है आयरलैंड के पास। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, शी लिव्ड अनोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी हु वाज द लूसी अबाउट हुम वर्ड्सवर्थ रोट फाइव ब्यूटीफुल पोएम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फाइव ब्यूटीफुल लिरिक्स पोएम्स लिखा है, जो फाइव पोएम जो हैं लूसी के विषय में है। लूसी कौन है? ऑप्शन ए शी वाज ओनली एन इमेजिनरी गर्ल, या ऑप्शन बी शी वाज ए रियल गर्ल हुम वर्ड्सवर्थ लव्ड एंड हु डाइड वेरी यंग, या ऑप्शन सी शी वाज द डॉटर ऑफ हिज फ्रेंड कॉलरिज, या ऑप्शन डी शी वाज वर्ड्सवर्थ क्लासमेट इन स्कूल डेज। क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फाइव लिरिक पोएम्स लिखा है जिसमें लूसी की चर्चा की गई है, तो लूसी कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शी वाज ए रियल गर्ल हुम वर्ड्सवर्थ लव्ड एंड हु डाइड वेरी यंग। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ स्पेंसर इज ए पेस्टोरल। स्पेंसर की कौन सी पोएम जो है पेस्टोरल है? अमरोटी है, इपिटेलमियान है, एपेस्ट्रोफेल है, या फिर द सेफर्स कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 21 को रिस्पॉन्स करिए, 21 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ स्पेंसर इज अ पेस्टोरल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द सेफर्ड्स कैलेंडर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज सिडनीज अर्कैडिया, सिडनी का अर्कैडिया क्या है? ऑप्शन ए अ पेस्टोरल वर्स टेल, या ऑप्शन बी अ पेस्टोरल रोमांस, या ऑप्शन सी अ पेस्टोरल एलजी, या ऑप्शन डी अ पेस्टोरल लिरिक। 22 को रिस्पॉन्स करिए, इजी वन क्वेश्चन है। 22 की बात करेंगे तो सिडनी की जो अर्कैडिया है पेस्टोरल रोमांस है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सीजन्स इज ए लॉन्ग पेस्टोरल पोएम, हु इज इट्स राइटर? सीजन जो है लॉन्ग पेस्टोरल पोएम है, इसका आथर कौन है? जॉन्स टॉमसन, स्पेंसर, सिडनी, रॉबर्ट हेरिक। 23 को रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सीजन इज ए लॉन्ग पेस्टोरल पोएम, इसके जो राइटर हैं जेम्स टॉमसन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 'What is the name of the beautiful pastoral forest in As You Like It? As You Like It में beautiful forest का नाम क्या है? ऑप्शन ए द फॉरेस्ट ऑफ विंडसर, ऑप्शन बी द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, ऑप्शन सी द फॉरेस्ट ऑफ अर्कैडिया, या ऑप्शन डी द फॉरेस्ट ऑफ टच स्टोन एंड फेवे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 24 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।